ये अगर स्पॉन्ज है, अगर ये ब्लॉक है, इनिशियल वॉल्यूम अगर V है और मैं चारों बाजू से अगर इस पे प्रेशर एक्ट करता हूँ तो इसका वॉल्यूम जो है दिख रहा है भाई, डिक्रीज हो गया है, मतलब ये कंप्रेस हो गया और फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, V2 हो गया। इनिशियल वॉल्यूम था V1, चारों बाजू से प्रेशर अप्लाई किया, फाइनल वॉल्यूम हो गया V2, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और अभी आप तो जानते हैं कि स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम